एंड साथ में देखते ये वीडियो। वाह, क्या चिन मिला है चच्चा को। पूरे 5 साल हो गए चच्चा को जीते हुए। हमारे चच्चा ने क्या ना करवाया, सड़के, बिजली, स्कूल सब कुछ खुलवा दिया। तो भैया इस बार मैं और मेरा पूरा खानदान तो घोड़े को देगा। अरे हमें ही दे दो, ये घोड़े को ही दोगे। अबे साले चुनाव चिन्ह घोड़ा इसे देंगे। तो ऐसे बोलना। वैसे एक बात है, इस बार के इलेक्शन में चच्चा के खिलाफ कोई दूर दूर तक खड़ा नहीं हुआ है। साले घर मेरा है, मैं क्यों खाली करूं? अरे खाली कर। कहां से पूरे हैं आपके? यस सर। बस तो फिर WWE की चैंपियन नहीं है। ब्रुसली की बहन, गुड स्टैमिना। आज नहीं तो कल मास्टी के ऊपर से तुम्हें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। अबे क्यों छोड़ना पड़ेगा हमें घर? क्योंकि तुम्हारे इस बहन के लोन पे साइन है। ए जी, बहन की गाली बकरिया, बहन का लड़ा। बैंक के लोन के पेपर पे तुम्हारे साइन है। बेगम गाली नहीं बकरा, ये लाभ दिखा कौन से पेपर है। तेरी तो है ना। अरे अब क्या कर जाओगे WWE में? बहन की घोड़ी घर में कैसे जाएगी ये सोच। बॉस देख, आप उनको 5 तारीख तक की मोहलत देने का है। 5 को आ रहा है इलेक्शन का रिजल्ट और इस बार आप उन पक्का जीतेगा। तो तू 5 तारीख को आने का, आप उनसे रोकड़ा लेके जाने का। अबे कहां से लेगा पैसे? अरे आप उन फिर से इलेक्शन लड़ेगा ना। फिर से इलेक्शन? अरे तिन्ने इतनी बार तो बैंगलोर नहीं आ रही IPL में, कितनी बार तू इलेक्शन में आ रहा है? अरे माँ अपुन की बात सुनने का, इस बार अपुन 100% जीत रहे ला। इस बार किसको इलेक्शन में खिला रही है? अरे प्रधान को खड़ा करेगा अपुन। चल बेगम। ये बाप किधर जा रहे ला? अबे तिन्ने, तू साले उस इंसान पे भरोसा कर रहे जिससे अपना वोट तक नहीं डाला। हाँ अपुन कर रहा है भरोसा, क्योंकि वो प्रधान नहीं रहा। अपुन ने जो 30 पेटी इस बॉस से ली थी, उसमें से 25 पेटी अपुन ने उस प्रधान के ऊपर खर्च करी है। तो सबको मिलने का 5 तारीख को, अपुन चलता है अभी इलेक्शन की तैयारी करनी है। और तेरे को तेरा रोकड़ा मिल जाएगा 5 को। 5 तारीख स्पेशल है दीपक जी, इस बार ख्याल रखना हमारे घोड़े का। क्या लोड़े का? अरे दीपक जी लोड़े का नहीं, घोड़े का। प्रधान एक बार फिर से भरोसा कर रहा अपन तेरे पे। तो तेरे को याद है ना क्या क्या करने का इलेक्शन में? हाँ नसीम, मुझे सब याद है। मुझे सिखाया गया है ट्रेनिंग में कि अगर किसी घर में चुनाव के लिए जाए तो वहां पर अगर आपको बच्चा दिखे तो उसके गाल पकड़ के आपको प्यार करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें हिंसा से दूर रहना है, गालियों का कम प्रयोग करना है और अपने चुनावी भाषण में हमें बड़े बड़े वादे करने हैं ताकि पब्लिक हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। तो नसीम जी, मैंने ये सब सीखने के बाद मैंने एक चुनावी खाका तैयार किया है जिसमें हमें चुनावी भाषण में क्या क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। बहुत शानदार बेड़ू, बहुत शानदार। आप उनको तेरे पर विश्वास हो रहा है, अब तू आप उनको जिता के देगा। तो आप उन अभी आ रहा है, तू प्रचार की तैयारी कर। ओ,
ढेर कर डाला। ₹25 लाख खर्च किए गए मेरी ट्रेनिंग पे, मार्शल आर्ट से लेकर चुनावी भाषण तक सब सिखाया गया है मुझे। पता किसने भेजा है तुझे? पता पता। दिमाग में गहरी चोट लगने की वजह से ये अपने पिछले 5 साल तक की मेमोरी खो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, चल अब ये देख अपन दिखाता है। ओए प्रधान, इस बार इलेक्शन में अपन लोगों को क्या मांगने का है? भीख। ये क्या झोल हो गया बाप, 5 साल की खोनी थी। डॉक्टर साहब कोई 2-2.5 साल की नहीं जा सकती इसकी। हाँ, एक बाजार को ऑफर चल रही आई। आप उनने इलेक्शन के वास्ते पिछले 5 साल में इस पे 25 पेटी खर्च करे लाए। कहीं ये भी ना पागल हो जाए। गम में घूमने की गम में आती जाती रहेगी। हाँ, बिजली का बिल हो रहा है, आती जाती रहेगी। बहुत बढ़िया चिन्ह मिल रहा आप उन लोगों को, इलेक्शन जीतने के बाद इन सब लोगों को कफन बांटेगा। मतलब कफन जैसी सफेद चादर बांटेगा आप उन लाइन गलत उधर से चचा घोड़ा लेके चल लिया है। अगर तुझे इलेक्शन जीतना है तो असली कफन लेके चल। असली किधर से लाएगा रे आप उन? मुझे नहीं पता, पर प्रधान तुझे क्या हुआ? मोतिया लंड हो गया बहन चोर मुझे, और एक ये डॉक्टर बहन का लोड़ा चोट मेरे पीछे लगी है, पट्टी आगे बांधी पड़ा। भाग कल्ले फाड़, किधर से लेकर आगा आप उन असली कफन? छोड़ मुझे। ये है तो कफन, ये प्रधान कुटवाएगा क्या आप उन लोगों को? ऐसे नहीं लेने का कफन, कफन के लिए आप उन लोगों को रोना पड़ेगा, और ऐसे रोने का है कि जैसा अपना बहुत करीबी मरेला था, समझा? प्लानिंग अच्छी बात है। रो रहे हो? अरे बड़े अच्छे आदमी थे। आदमी अम्मा थी हमारी। अरे तो अम्मा भी इतनी जल्दी जवानी में क्यों चली गई? जवानी 90 साल उम्र थी इनकी। 90 में तो गोल मटोल बन गया था फिगर। हाल लगेगी।
नमस्कार बहन जी, हमारा चुनाव चिन्ह कफन है, इस बार कफन पे मोहर लगाकर हमें विजयी बनाना। धन्यवाद। प्रधान बच्चा दिख रहे लाए तेरे को, देख कल्लेफाड़ कैसा अपन 25 लाख रुपए खर्च करे ला इसके ट्रेनिंग पे। कोई ट्रेनिंग दी है, इस बार इलेक्शन अपन लोग जीतेंगे। जवाब नहीं बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? बड़े ही सुंदर हो, बहुत सुंदर। कौन है बे? मेरी गोदी में कैसे? प्रधान वोट मांगने आ रहे ला बच्चे को प्यार से बात करने की। इसका वोट होगा आटो झाटू होगा। कहाँ तुम सुंदरता की मूरत और कहाँ ये मानुषियत की मूरत। शांत, तुम्हें ही वोट देना है बस। इसकी हाँची हाँची इंतजार कर रही है कब कफन आए और कब दफन हो। अरे आए होंगे वो दोनों जरूर चक्के। आप इन्हें देखिए, ये दोनों गांव के लिए फरिश्ते हैं। दिखाओ प्रधान जी अपनी फरिश्तों वाली सूरत। अरे पर्दा करके ला आप उन लोग। अब हम जब ही सूरत दिखाएंगे जब हम प्रधान बन जाएंगे। चलो यहाँ से हो गया यहाँ का। ये क्या बात है प्रधान जी, हटाओ कफन। ये कफन तो मेरी अम्मा का लग रहा। पहचान गई सालो तुम। अम्मा का कफन मिल गया। हमारी सरकार में नालियां बनी, रोड बने, घर घर में टॉयलेट लगे और इसी के आधार पे मैं तुमसे वोट मांगने आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे आप वोट दो, मैं आपको रोजगार दूंगा। मोहर लगेंगे, 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 मोहर लगेंगे। ये सब तेरी खरीदी हुई भीड़ है बिरयानी की, लेकिन ये सब वोट कफन का है। देखो मोहर लगेगी घोड़े पे, कल देख लेंगे तुम्हें वोटिंग पे। साले कहाँ रहे टिम्मो और प्रधान? बिल्कुल बिगड़ नहीं है सालों के इलेक्शन की। कहाँ जा तक? मैं सो रहा था अपुन। तुम्हें दिख नहीं रही है कितनी लंबी लाइन है ये? मेरे कद्दू की लाइन। अबे प्रधान है, पहला वोट डालेगा। बांग। पर्ची दे। तो डाल का। प्रधान है यहाँ के। दादागिरी क्या? ये कर रहा हूँ तुम दोनों? है मामू वोट डालने जा रहे लेते हम। लाइन में लगकर वोट डालो, ऐसे वोट को डालता है। लाइन में लगेंगे हम धोने वाले प्रधान है क्यों भाई? लाइन में लगेंगे हम। भाई साहब मजाक कर रहे थे, आप आगे बढ़िए, आगे आगे थोड़ा सा। तेरे को इलेक्शन के बाद देख लेगा अपन। साले मामू सिपटिए। डालिए वोट। हाँ, इस बार जीत कफन की होगी आप उन लोगों की। चल चल आगे। अबे जीतेगा कैसे ना, घोड़ा चल लिया झड़ा। प्रधान जाली वोट डालना पड़ेगा आप उन लोगों को, ऐसे नहीं जीत पाएंगे वरना। डालेंगे कैसे? क्या दिमाग है देखते हैं क्या कुछ हो पाते कि नहीं। अब भाई साहब जल्दी चलो चलो चलो। ए साले चलता क्यों ना आगे, तो
दरोगा साहब, ये दोनों के दोनों मुझे बैरूपिया लग रहे हैं और जाली वोट डालना है, और इसकी आवाज से तो ये टिम्मा जी लग रही थी। प्रधान जी, ये क्या बात कर दी आपने? ये नसीम जी की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए उनकी आवाज निकाल लेती है। मैं प्रधान जी की बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैं उनकी आवाज निकाल लेती हूँ। देखोगे अब भाव सड़ी के उतारो में। ऐसी नाम लगाई, चलो समरीन जी आगे चलो। प्रधान जी क्यों परेशान कर रहे हो? अबला ना रही है। अबला ना रही? अभी देखो मोहर लगेगी। ये अच्छा था। प्रधान जी, तुमने दौड़ते को भागते हुए देखा यहाँ से? अभी मैं देख, आप उनकी आवाज निकाल ले थी। हाँ इधर गई है, पागल बना दिया। जी वोट बहुत ही डल रहे हैं। आईडी दिखाओ अपनी, मासो कली आईडी दिखाओ। मोहम्मद रफी, सारे रफी यहीं पे हैं। मैडम जी वोट दिखाओ अपना। मैडम जी बच्चे को बाहर खड़ा कर दो और आप अंदर जाकर वोट डालिए आओ। इसका तो डलवा नहीं हूँ। बच्चे का हुआ रे मामू? हिम्मा जी बच्चे का वोट डलवा नहीं है, बताओ। हिलने का वोट नहीं डलने का, मैं बाहर खड़ा करके आने का बच्चे को। कफन को दूंगी। कफन पे डालो या किसी पे भी डालो, लेकिन बच्चा। चच्चा चच्चा है ये हमारे। चच्चा नमस्कार। तस्लीम चच्चा, आप उनके तीन शादियां कर चुके हैं अपनी लड़कियों की। लेकिन बच्चा। अरे इलीगल वोट है, वोट डाल का हो चच्चा, वोट डाल का हो आप। इलीगल वोट नहीं डलेगा। अरे भाई कितना टाइम लगेगा, हमें घोड़े पर वोट डालना है। प्रधान जी घोड़े पे आ जा। छोटू बेटे नीचे को आ, इधर आने का। क्या हुआ? अरे इसका बच्चे का वोट डलेगा जानी, ये 18 से कम उम्र का बच्चा। और आईडी दिखाइए अपनी। अरे सब भर दिया आईडी, आप उनके चच्चा ने बनवा के दिए। अबे बालक कितने साल का है तू? अरे 4 साल का हूँ। बताओ 13 साल का, इससे तो रास्ता भी नहीं पता होगा। छोड़ जाने का प्रधान, इसको घर छोड़ कर इलीगल वोट नहीं डलने देगा आप। बच्चे को चच्चा बना दिया, चच्चे को बच्चा। आगे जाने का। सब में कफन भिजवा दे, निकल जाके चले पीछे को। कफन ही जीत लिया है कल्ले फाड़ जी। घोड़ा जीत लिया भाई, घोड़ा चल लिया भाई साहब, घोड़ा ही चलेगा। क्या कहाँ जीत लिया कफन? धड़ल्ले से घोड़ा चल लिया। भाषड़ी तुझे क्या, तू है कौन? पूरे इलेक्शन में तेरा पता ही नहीं चला क्या कैरेक्टर है? इतना सीरियस तो टिम्मा ना है भोसड़ी का। तो मैं कोई भी हूँ, इलेक्शन जीतना नहीं जीतना। टिम्मा इधर आ। एक दो वोट के घपले से नहीं जीत सकते हम, कुछ बड़ा घपला करना पड़ेगा। क्या करने का बोल तू फिर? बहुत कैप्चरिंग करेंगे। किधर है सारी लोटी है? मैं क्या सुन लिया तुमने? भूत कैप्चरिंग। इस बार गंडेली गांव से जो प्रधान बने हैं, इस बार की जीत बहुत ही ऐतिहासिक जीत है, और वोटों का अंतर पूरे पूरे 3000। बिल्कुल सही, और आपको कैसे पता? अरे आप जीत गए इलेक्शन, प्रधान बन गया। लक्ष्य तो ठीक है, रिजल्ट तो सुन लो पहले। अबे जाहिल हो, रिजल्ट तो सुन लो पहले। और इस बार पूरे पूरे 3000 वोटों से जीता है घोड़ा। बहन का लोड़ा दौड़ा, कल बार टिम्मा को दौड़ा। टिम्मा मैं हार कैसे गए? अरे टिम्मे मैं जब तुझ पे इतना पैसा खर्च करा तो हार क्यों गए? हम कहाँ पड़े हैं? अबे जब भूत कैप्चरिंग करी थी तो फिर क्यों हारे? रेसे किस पे लेके जाएंगे? हारे कैसे? रेसे किस पे लेके जाएंगे? मेरे लोड़े पे। घोड़े पे नहीं जाऊंगा। प्रधान अंदर जाने का, आप उन्हें इधर देख रहे ना, तो अंदर वोट डालने का फर्जी। ओह
समझ लिया अब ये प्रधान को मारेगा भागो भागो प्रधान भागो टिम्मा जी जीत हो गई तुम्हारी आज 5 तारीख भी है बैग भर दो मेरा यार मुझे ना मतलब सच में यार कितना ज्यादा घपला करते हैं ये पॉलिटिशियंस यार मतलब और सच में और भूला कर ये रोल था ना यार उसका सबसे मस्त था सच में यार उसने क्या गड़बड़ की है लगा रहा था कफन पे और लगाया किस पे घोड़े पे क्योंकि वो भूला भूल जाता था सच में और लास्ट में उस बेचारे को टोक दिया गया वो आया था पैसे लेने बैग भरवाने आया था ना वो 5 को रिजल्ट आया था और क्या रिजल्ट आया बेचारे को टोक दिया वीडियो कमाल थी वैसे है ना हाँ अच्छी थी और बीच में जो वो था जब वो उसको चोट लग जाती है उसके बाद से भूलते भूलते पूरा रिजल्ट ही गड़बड़ हो जाता है वरना अगर भूला नहीं होता ना तो वही जीतते हाँ। उसे सुनाई भी तो उल्टा दे रहा था ना सुनाई भी उल्टा दे रहा था और ना ये भी था ना कि बिना रिजल्ट जाने डांस कर रहे थे उन्होंने फर्जी वोट डाले थे इसलिए कैलकुलेशन कैसे बोलते थे 3000 लेकिन फाइनली बेचारे हार जाते बिकॉज ऑफ भूला चलो ये खैर तो ये तो चलता रहता है एक को जीतना है एक को हारना ये तो हमारे साथ मतलब रियल लाइफ में भी यही होता है और वैसे भी वो तो वीडियो थी वही फन वीडियो लेकिन कमाल फन तो कमाल दर करते हैं राउंड टू हेल वाले ना नंबर 1 मतलब कुछ भी करे ना वो फिर भी हंसी तो आती है मतलब कंट्रोल नहीं होता यार कि स्टोरी वो स्टोरी लाइन अच्छी डाल देना बहुत ज़्यादा और बीच में जो कंटेंट होता है ना कॉमेडी का तड़का वो कमाल होता है हर वीडियो पे सच में वो इमोशनल भी हो ना तो भी हम सोचते हैं कि यार कैसे कुछ फनी करें कुछ हंसी हाँ कुछ फनी करने वाले क्योंकि हमारे माइंड में ही होता है ना राउंड टू हेल की वीडियो तो कुछ फनी ही होने वाले फाइनली ये वीडियो काफी अच्छी लगी हाँ हमारे व्यूअर को भी पसंद आई होगी फ्रेंड्स हमारे ये अमेजिंग रिएक्शन कैसा लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में बताओ और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो शेयर करो एंड आपको एक पता है कॉन्ग्रेचुलेशन वाली बात ये कि हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं ये तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ बेल हमारे और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो जल्दी मिलते हैं ऐसी और एक्साइटिंग वीडियोज के साथ तब तक के लिए बाय बाय